वेलकम बैक। अभी लास्ट टू मंथ्स ही हुआ होगा शायद, कुछ टाइम पहले मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कि घर पे आप कैसे नेल एक्सटेंशंस कर सकते हो, फेक नेल्स, वो भी अंडर ₹5। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसके नीचे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग कॉमेंट्स आ रहे थे कि आपके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन थे। आई कैन अंडरस्टैंड, होता है जब नया नया मैंने भी स्टार्ट किया था नेल एक्सटेंशन फेक नेल्स करना, मुझे भी काफ़ी सारा लगता था डर और ये वो। तो सारे क्वेश्चंस का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है जितना भी मुझे मिला, और कुछ दो एक अदर डीएम भी थे वो भी ले लिया है। अगर आज के क्वेश्चन में आप सबका आंसर कर दूंगी, अगर उसके बाद में भी आपको लगता है आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो और मैं उनका रिप्लाई आपको दूसरा वीडियो करके कर दूंगी। एंड और एक बात गाइस कि ये वीडियो मैं दोबारा पूरा शूट कर रही हूँ, आज है वेडनेसडे, मंडे को मैंने पूरा वीडियो बहुत मेहनत से शूट किया था, पूरा मेरा ख़राब हो गया। सो गाइस, आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग घर की जगह स्पा में कराना चाहें तो क्या हमारा चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेगा। स्पा के चार्जेस के बारे में मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। सो हाँ डियर, आप अगर सलोन में कराते हो, स्पा में कराते हो या आप किसी सलोन सर्विस को, काफ़ी लोग आजकल घर पे भी बुला बुला के सलोन की सर्विसेज लेते हैं, तो उसका चार्जेस कम्प्लीटली डिपेंड करता है। जितना भी मैंने पता किया है आप लोगों की वजह से, मिनिमम आई थिंक आपको 1600 to 1800 rupees लगता है, मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 4000, 5000, 6000 एंड ऑन कितना भी जा सकता है। स्पा में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन था स्पा का चार्जेस, मैंने बता दिया। सेकेंड में मुझे कुछ लोगों ने पूछा था घर पे करते हैं तो कितना चार्जेस लगता है। तो डियर, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप जो नेल टिप यूज़ कर रहे हो वो कैसे है, कौन सा, मतलब कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता आपको मिला है। जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाऊँ एक बार, ये देखो ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो, आई एम श्योर नेल एक्सटेंशन, ये मैंने लास्ट वेडनेसडे किया था और आज भी वेडनेसडे है, पूरा 8 days हो चुका है मुझे ये किए हुए, और ये मुझे करने में 5 rupees का भी चार्ज नहीं लगता। मैं घर में करती हूँ, आप देख के नहीं बोलोगे कि 5 rupees में हुआ है, आई एम श्योर। सो ये वाली जो टिप मैं खरीदती हूँ ये काफ़ी सस्ती आती है, और मैं पूरा 48 का पैक आता है वही खरीदती हूँ हमेशा, बहुत टाइम चल जाता है मुझे। एक एक पैक में 25 शायद नेल निकलते हैं और 48 का पूरा पैकेट आता है, तो वो 65-70 rupees मुझे कुछ लगता है होलसेल मार्केट से लेने में। बहुत सारे ऑनलाइन भी मिलते हैं तो आप उनमें से भी ले सकते हो। मिस क्लेयर का भी काफ़ी अच्छा आता है मैंने सुना, मैं मिस क्लेयर का ट्राई करूँगी। कि टिप कितनी एक्सपेंसिव और कितनी सस्ती ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, बट आपको घर में मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत महंगा भी पड़ेगा तो 30-35-40 rupees पड़ जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको 250-300 rupees में बहुत सारे आपको फेक नेल्स का पैकेट मिल जाएगा, अगर आपको कोई होलसेल मार्केट जाके नहीं पता है या फिर आप उतना लेके आना नहीं चाहते हो जाके, तो आप ऑनलाइन ही मंगा सकते हो। 200-250-300 rupees में बहुत सारे 100-125 नेल्स आ जाते हैं, तो वो भी वो एक्चुअली जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे हाथ में जो ये नेल है उनकी क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी होती है, वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं। सो ये हो गया घर और सलोन के चार्जेस की बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे किसी ने पूछा है कि दी क्या हमें इसे रेगुलर कराते ही रहना पड़ेगा, एक बार कराया तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज कराया हो तो कराते रहो, आपकी मर्जी है। आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं पार्टी है आपके घर में कोई शादी फंक्शन है तो आप चाहते हो अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना, या फिर एक्सटेंशंस करवाना है इन शॉर्ट, तो आप करवा सकते हो। आप मत करवाओ 6 महीना 8 महीना 10 महीना, कभी मत करवाओ, आपकी मर्जी है। या फिर आप फिर से कभी कराना चाहते हो, 4 साल 5 साल 2 साल 6 महीना, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आप कराए हो तो कराना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, आपकी मर्जी है। आज कराया, कल नहीं कराया, फिर परसों कराया, नहीं कराया, तो इनका ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि एक बार नहीं करवा के नहीं करवाओगे तो आपके नेल्स में कुछ प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास कि क्या ये नेल एक्सटेंशन से पेन होता है। तो मैं बोलूँ, जो आप सलोन या स्पा में कराते हो तो डेफिनेटली काफ़ी पेन रहता है, वो आपके नेल की बेड जो है, ये नेल बेड जो हमारा होता है, मैंने एक हैंड पे नहीं किया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो नेल बेड है हमारा, ये उसे बफ करते हैं। और कुछ कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप नहीं होते, उन्हें उतना आता नहीं है, कुछ नए रहते हैं, या फिर स्पा में काफ़ी लोग बहुत अजीब तरीके से भी करते हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मेरे यूट्यूब पे ही, कुछ लोगों को मेरे पहचान में भी, कुछ लोगों को जो 5-6 star सलोन में जाकर कराते हैं और उनकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, तो वो उनका नेल बेड जो फाइलिंग होती है ना 4-4 layer तक निकाल देते हैं, और नॉर्मली नेल फाइलिंग करके वो 2 layer तो निकालते हैं, तो अब पेन तो रहता है। अगर किसी ने काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल है, अच्छे से किया है, तो पेन फिर भी रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ रहता है। और किसी ने ख़राब तरीके से कर दिया तो आपके नेल पे कुछ, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा घाव हो जाना या कुछ थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाना, वैसा भी होने का डर रहता है। तो आप एक बार अच्छे से रिव्यू पढ़ना और अच्छे से एक बार जाके और लोगों से जिन्होंने कराया उनसे ढंग से पूछ के करवाना। और अगर आप घर में करते हैं, मैं आपको सलोन और घर दोनों का ढंग से बार बार बता रही हूँ अलग अलग करके, जैसे किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कि सलोन में कराने से पेन आपको 100% होगा और थोड़ा सा होता है, ख़राब तरह से किया ज़्यादा पेन, अच्छे से किया थोड़ा कम, लेकिन पेन रहता है आपको। और फिर आप रेगुलर कराते हो रहोगे तब यूज़ टू हो जाओगे उस पेन से। और अगर आप घर पे कराते हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और आप लोगों में से कुछ लोगों की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिनसे मेरी डीएम के थ्रू बात होती है, और मेरा वो नेल एक्सटेंशन वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने ट्राई किया, वो उनके एक्सपीरियंस से, कि ये जो नेल पे आप करते हो, क्योंकि आप इसमें ग्लू लगा के ऐसे काफ़ी प्रेस करते हो ये करते हो ना, तो आपको
कुछ देर के बाद लाइट लाइट सा पेन होने लगता है, लेकिन रहता है जाता है, लेकिन बहुत हल्का, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, आपको तकलीफ होगी किसी तरीके से, नहीं ऐसा नहीं होगा। और ये पेन आपको मैक्सिमम 2 डेज तक रहेगा और बहुत हल्का हल्का सा पेन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ उठाने में, पहनने में, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं होगा, बट हल्का हल्का सा। मैं करती हूँ तो मुझे रहता है 2 दिन तक बहुत लाइट से पेन। और आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ जब मेरी बात हुई थी, जिन्होंने एक्सटेंशन करके मुझे इमेजेस सेंड की थी, आप भी करते तो प्लीज़ मुझे DM करके अपनी इमेजेस सेंड करना मत भूलना, मैं उसे अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाती हूँ। सो उन लोगों ने बोला कि दी मुझे 2 दिन तक या थोड़ा सा 2 दिन से ऊपर तक लाइट सा पेन रहा, लेकिन बिल्कुल भी वैसे बहुत तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सो ये मेरा और आपका एक्सपीरियंस था तो मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, और एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में थे, जब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या ये आपके नेचुरल नेल्स को डैमेज कर देगा, तो आंसर है नहीं, आपके नेचुरल नेल को डैमेज नहीं करता है। सलोन में करने से जब आप बफ बफ करते हो तो उसके नेल्स जो है ना वो थोड़े पतले हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी प्रॉब्लम रहता है, मैं बताती हूँ कैसे। और आप घर पे भी करते हो तो भी कभी कभी होता है ना कि हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ करते हैं, ग्लू काफ़ी टाइप के आते हैं, उन पे डिपेंड करता है नेल डैमेज, वैसे डैमेज नहीं होता है, मैं एक्चुअली आपको एक बार ढंग से बताती हूँ। ये जो नेल है, अगर आप ग्लू की वजह से या बफिंग की वजह से ये हल्के हल्के से पतले हो जाते हैं या थोड़े से क्रैक जैसे हो जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा होता है, बट जिस नेल पे आप कर रहे हो ना, सपोज़ कर अभी मेरा ये नेल है, मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन या कुछ भी कर अपना फेक नेल लगा रही हूँ, चाहे ऐसे स्टिक करने वाला या एक्रिलिक के थ्रू या पॉली जेल के थ्रू, बहुत तरीके से होता है, मैं किसी और वीडियो को एक्सप्लेन करूँगी कितने टाइप का नेल एक्सटेंशन कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, ये नेल जिस पे मैंने एक्सटेंशन किया है इस पी पे थोड़ा बहुत कुछ डैमेज होगा, जो होगा फिर जैसे मेरा नेल ग्रो होकर निकलेगा, जितने मेरे नए नेल निकल रहे हैं उन वो एकदम अच्छे निकलेंगे, उन पे किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपके नेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप उन्हें ठीक करना चाहते हो, तो आप 15-20 डेज़ का गैप ले लो, आपके नेल जैसे भर के निकलेंगे, न्यू नेल रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, जो पुराने वो निकल जाएंगे, आप उन्हें फाइल करके या कट करके हटा दो, वो ठीक रहेंगे, डैमेज का वैसा कोई टेंशन नहीं है। मैं 13 या 14 ईयर्स से ये एक्सटेंशन अपने घर पर कर रही हूँ, आज तक मुझे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो आप बिंदास करा सकते हो, आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात गाइस, मैंने कम्युनिटी टैब पे आप लोगों से पूछा था एक नेल की इमेज डाल के अपने एक्सटेंशन की, कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो उसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो कुछ लोगों ने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो नेल मिलते हैं वो स्टिक ऑन वाले, उनको लेके क्वेश्चन पूछा है। और कुछ लोगों ने नेल एक्सटेंशन करवाने से कितना दिन तक टिक जाएगा दी, ओके नेल एक्सटेंशन कितने दिन तक रहेगा ये पूछा है। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो मिलता है फेक नेल्स अलग से, मैं बहुत जल्दी परचेज करने वाली हूँ, तो निधि गुप्ता आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में दे दूंगी। अभी ये वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, और आपको मैं आंसर दूंगी तो आपको थोड़ा क्लियर भी नहीं होगा। सो गाइस, मैं पहले रोमा के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि नेल्स जो है कितने दिन तक टिकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ग्लू यूज़ कर रहे हो। जो ग्लू मैं यूज़ करती हूँ डियर, वो 21 डेज़ तक मुझे रहते हैं। 21 डेज़ के बाद मेरे नेल्स जो है ये थोड़ा उठने लग जाते हैं, मैं उन्हें खुद से धीरे से पकड़ के निकाल देती हूँ, एंड मुझे वो निकालने में ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, बिकॉज 21 डेज़ के बाद वो ग्लू जो है अपने ही थोड़ा सा वो छोड़ देता है मेरे नेल को, यू नो थोड़ा उसका असर कम हो जाता है। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन सा ग्लू यूज़ करें। कुछ घटिया ग्लू आते हैं जिससे आप अगर स्टिक करो तो वो नेक्स्ट डे भी निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे ग्लू आते हैं जिनसे आप स्टिक करो तो महीने महीने तक नहीं निकलते, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, रनवेज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हमने नॉर्मली डे टू डे बेसिस के लिए नहीं होता है वो वाले ग्लूज़ गाइस, वो रनवे इन सब में मॉडल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, आप वो सब मत यूज़ करना खरीद के। और कुछ ग्लू आते हैं जो आपको 3 वीक्स से 4 वीक्स तक बहुत ईजिली लास्ट करते हैं आपके नेल के ऊपर, बहुत सारे आते हैं, कुछ मिस क्लेयर के हैं, कुछ किस के ग्लू आते हैं, अलग अलग, आप अच्छे हैं वो सारे ग्लू आप चेक कर सकते हो नायका पे, अमेजोन पे। सो मैं और एक बात बताऊं कि मैं क्या करती हूँ एक्सटेंशंस को रेगुलर यूज़ करने के लिए। मैं ना अपने नेल पर जब ये एक्सटेंशन करती हूँ, मैं 3 वीक्स तक ये जैसे मैंने बताया मुझे बहुत आराम से लास्ट करते हैं, 3 वीक के बाद मैं इसे निकाल देती हूँ, और फिर 1 वीक का मैं गैप ले लेती हूँ जैसे मेरे नेचुरल नेल्स जो है वो थोड़ा ब्रीथ कर सके, उन्हें खुली हवा मिले आराम से, और फिर 1 वीक के गैप के बाद मैं फिर से एक्सटेंशन कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने किया नहीं, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बता रही हूँ, मैं फिर से इन्हें एक्सटेंशन को कर लेती हूँ, फिर 1 वीक का गैप ले लेती हूँ, फिर एक्सटेंशन कर लेती हूँ, इससे मेरे नेल्स डैमेज नहीं होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप सलोन में कराते हो, मैं उसका भी आपको बता देती हूँ, सलोन वाले आपको अगर ना भी बोले ये ऐसे तो भी आप लाइक बैक टू बैक 2 मंथ्स तक करवाओ फिर, लेकिन आपको पूरा 1 मंथ का गैप लेना पड़ेगा, बिकॉज सलोन वाले जो है वो एक्रिलिक पाउडर से करते हैं, वो डिफरेंट वे से करते हैं। मैं बहुत जल्दी एक्रिलिक पाउडर खरीद के आप लोगों के साथ प्रॉपर इन डेप्थ एक्रिलिक से कैसे नेल एक्सटेंशन किया जाता है वो बताऊंगी। सो स्पा में कराते हो, सलोन में कराते हो, सर्विस लेते हो नेल एक्सटेंशन की, 2 मंथ्स बैक टू बैक नेल एक्सटेंशन कराओ, उसके बाद 1 मंथ का पूरा गैप ले लो, फिर 2 मंथ कराओ, फिर पूरा 1 मंथ का गैप लो गाइस, क्योंकि वो लोग काफ़ी बफिंग ये सब करते हैं, आपका नेल को वापस से थोड़ा रिकवर करने में भी टाइम लगता है, नहीं तो आपके नेल तो बहुत ख़राब हो जाएंगे अगर आप उतना गैप नहीं लोगे। एंड कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें कहीं से पता चला कि घर पे एक्सटेंशंस कर ही नहीं सकते हैं, तो मैंने किया हुआ है, हमेशा आप मेरे वीडियोज़ में देखोगे करे हुए मुझे, और मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो घर पर आप डेफिनेटली नेल एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेफ़ है,
एंड लास्टली मैं अपनी तरफ से आप लोगों को छोटी सी टिप देना चाहती हूँ गाइस कि चाहे आप फेक नेल्स जो है ये घर पे करो या सलोन में करवाओ, प्लीज़ बहुत लॉन्ग करके मत करवाओ। देखो जैसे मैंने किया है ना, आपको ये लॉन्ग लग रहा होगा, ये अच्छा ही है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इससे बहुत लॉन्ग मत करवाना गाइस। कभी नेल्स आप जितने ज़्यादा लॉन्ग करवाओगे उसकी लाइफ उतने ही कम हो जाएगी उस नेल्स की, बिकॉज लग लग करके टूटने के डर रहेंगे। और आप अगर नया नया करवा रहे हो तो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, आप खा पी नहीं सकोगे ढंग से, आपको पेन रहेगा, आपको कपड़े पहनने में हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी, और लॉन्ग रहने की वजह से उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है नेल्स की। और ये मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि नेल्स को नॉर्मल लेंथ पर रखो, ना कि बहुत शॉर्ट रखो अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो, लेकिन बहुत लॉन्ग करके मत रखो, उससे आपकी नेल्स बहुत टाइम तक आराम से रहेंगे। एंड और एक बात कि आप कितना ज़्यादा किचन में काम करते हो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि नेल कितने दिन तक आपकी लास्ट करेंगे। नेल्स के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़ा बर्तन अपने हाथों से करते हो तो वो शायद जल्दी भी भाग जाए आपके नेल से, बट अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते हो तो कम से कम भी मैं बोलूँ अगर तो 2 वीक्स तो आराम से आपके नेल पे रहेंगे ही रहेंगे। एंड गाइस प्रोस में अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ कि क्या बहुत अच्छा लगता है मुझे एक्सटेंशंस के बारे में, जो आई एम श्योर आप लोग नहीं जानते होंगे, वो ये है कि नेल एक्सटेंशंस के ऊपर जब आप नेल पेंट अप्लाई करते हो ना तो वो चिप नहीं होती है आपके नेल से, सीरियसली बता रही हूँ। आप नॉर्मली एलिएटिंग की जो 50 रुपये वाली नेल पेंट आती है ना, वो भी अगर आप इस पर लगाओगे ना तो वो भी आपके नेल से चिप होके नहीं भागती है, वो नेल पे ही रहती है जब तक आप उसे रिमूव ना कर दो। जैसे मैंने बोला मैं 3 वीक्स तक रखती हूँ, तो 2 वीक्स के बाद साइड से हल्का हल्का वो नेल जो पेंट है ना वो फेड होने लग जाती है, बट वो चिप होके निकलती है, जो भद्दी लगती है ना ये वैसे नहीं होती है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इसका। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, और कुछ भी और आप लोगों के क्वेश्चंस बचे हुए तो नीचे कमेंट में मुझे बोल सकते हो। बाकी और भी मैं अलग अलग तरीके के जितने भी एक्सटेंशन होते हैं वो सब आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।